यूट्यूब पे कभी भी आपको सरकारी नौकरी की तरह भी इनकम मिल जाती है सिर्फ आफ्टर सी सेक्शन बॉडी पेन एंड लेग्स पेन, क्योंकि मुझे इतने मतलब इतने नहीं आते लेकिन हाँ हजारों में आते हैं। ओ मैं हूँ डॉन, ओ गुस्सा आ रहा, बोलो इसको क्यों आ रहा गुस्सा, मम्मा जी क्या कर रही है आपके साथ। ये देखो तो गाइस अभी मैं करने वाली हूँ Q&A। ओके गाइस, तो मैं आज एकदम रैंडम क्वेश्चन उठाने वाली हूँ जो भी आते हैं कमेंट्स पे, तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं और कुछ ना मैंने लिख लिया है क्योंकि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा फोन नहीं है फिलहाल में, क्योंकि समीर का फोन होता है एक्स्ट्रा तो मैं वीडियो आसानी से शूट हो जाती है, बट अभी मैंने कुछ क्वेश्चन इस पे लिख लिए हैं तो मैं अभी उन सबका आंसर करने वाली हूँ। और ऐसे ही मैंने उठा लिए जो भी रैंडम क्वेश्चन थे क्योंकि कोई भी कम्युनिटी पोस्ट मैंने नहीं डाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई ऑल्सो हैव सेम प्रॉब्लम विथ माई ब्रेस्ट मिल्क, आई गिव फॉर्मूला मिल्क टू माई बेबी but my baby weight is not increasing, she is underweight, society easily judge me for her underweight but as a mother I am putting all possible efforts, can you please tell me your baby weight increasing by giving formula milk, your reply give me some hopes। okay, so I can totally understand this situation, your situation। सो ऐसा होता है क्योंकि मेरा बेबी का वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था स्टार्टिंग में, आप सब ने देखा होगा एकदम पतला था और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी उस चीज़ की, क्योंकि जब बेबी का वेट नहीं बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है एक माँ को, मतलब मैं पूरी तरीके से फील कर सकती हूँ इस बात को क्योंकि बेबी का वेट मेरे भी नहीं बढ़ रहा था और अभी भी उसका कोई खास वेट बढ़ा नहीं है, लेकिन ये है ना कि फॉर्मूला मिल्क से ऐसा होता है कि वेट बढ़ जाता है, किसी किसी का नहीं बढ़ता है। और गाइस मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट बात, भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था जब मेरे बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि जो मोटे बेबी होते हैं वो ही हेल्दी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो पतले होते हैं वो भी हेल्दी होते हैं, मतलब क्योंकि मेरे बेबी का वेट अभी भी एकदम कम है, आप सबने देखा होगा इतना मोटा नहीं है वो, क्योंकि इतने मोटे मोटे हाथ होते हैं, एकदम मस्त बेबी होते हैं, मोटे बेबी मैंने देखे हैं और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मेरा भी एकदम वेट उसका काफी अच्छा हो, लेकिन नहीं है तो अभी क्या ही कर सकते हैं। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और ये आपका बेबी अगर पतला है तो कोई बात नहीं, आगे चल के बढ़ जाएगा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सोसाइटी तो यार हर चीज के लिए बोलेगी, अगर आप मिल्क उसको अपना दे भी रही हो तो भी बहुत से लोग बोलते हैं कि ये मत खाओ, और अगर उसको सर्दी हो जाती है तो आप कहते हैं तुमने ये खा लिया होगा तो ऐसा हुआ होगा, तो यार सोसाइटी के बात पे मत जाओ क्योंकि बहुत सारे लोग जज करते हैं, आई नो बहुत बेकार लोग होते हैं यार, कोई एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, हर बात के लिए जज करेंगे, अगर आप अपना पिलाओगे तो भी जज करोगे और हर चीज के लिए बोलते हैं यार, तो माइंड मत करो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय सिस, आफ्टर सी सेक्शन बॉडी पेन एंड लेग्स पेन विल गॉन और नॉट, लाइफ लॉन्ग कंडीशन, आई एम आल्सो डिलीवर सी सेक्शन स्टिल कंटिन्यू बॉडी पेन एंड लेग्स विल व्हेन विल गॉन टेल मी सिस्टर। तो गाइस यार सी सेक्शन को एकदम हवा बना के रखा है, ये पेन होता है एक महीने तक आपको होगा, और मेरे तो यार कमर में इतना ज्यादा होता था, होता है एक महीने तक उसके बाद सब ठीक हो जाता है, एकदम मतलब ऐसा बना दिया है कि लाइफ खराब हो जाती है सी सेक्शन से, ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये मैं तो देखो मुझे अब बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र है यार, अब मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, एक महीने तक रहता है सब कुछ, सिर्फ एक महीने तक ही रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं लाइफ खराब हो जाती है सी सेक्शन से, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, लाइफ टाइम कमर में दर्द होता है ये होता है, बस एक महीने तक की प्रॉब्लम है उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तुम हमारा रिप्लाई क्यों नहीं करती हो, इतना घमंड ठीक नहीं है। ओके तो गाइस मैं भी पहले ऐसे ही बहुत सारे लोगों को कमेंट्स करती थी, और जब वो सेलिब्रिटीज की रील आती है ना तो उनपे करोड़ों में मैसेज होता है, और मैं पता है क्या कहती थी इन लोग जानबूझ के रिप्लाई नहीं करते ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत ज्यादा बिजी हैं और ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस, उनके पास लाखों में मैसेज आते हैं दिन के, तो वो लोग सबका आंसर नहीं कर सकते, और ये बात मुझे अब रियलाइज हो रही है क्योंकि मुझे इतने मतलब इतने नहीं आते लेकिन हाँ
हजारों में आते हैं, जिस वजह से मैं भी किसी का रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि एक एक का अगर मैं रिप्लाई करने बैठूंगी तो बेबी को कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा, और अपनी भी लाइफ होती है। अगर मैं फ्री भी रहूँ तो भी, क्योंकि दिमाग लगता है यार, क्वेश्चन पढ़ो फिर उसका रिप्लाई दो इंस्टाग्राम पे। अगर वीडियो बनाना होती है तो ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें कॉन्टेंट भी मिल जाता है और आसान हो जाता है यार, क्योंकि आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो कंटेंट भी मिल रहा है और आपके सवालों का आंसर भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घमंड वाली क्या ही बात होगी यार, घमंड ऐसा मत बोला करो यार आप लोग। ओके, तो आपकी प्रेगनेंसी प्लान थी क्या? जी हाँ, प्लान थी हमारी प्रेगनेंसी, क्योंकि वैसे तो मैंने सोचा था कि 5 साल तक, मैंने कसम, मतलब मैं ये सोचती थी कि 5 साल तक नो बेबी, लेकिन फिर क्योंकि आजकल जो है बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, इजीली बेबी कंसीव नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है एक बेबी हो जाने देते हैं, उसके भी सोचा कि मैं उसको पढ़ा भी सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ यार मैनेज, तो ठीक है मैंने सोचा ठीक है एक बेबी तो होना ही चाहिए। और अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज योर बेबी बर्थ वेट एंड करंट वेट प्लीज रिस्पॉन्स। तो मेरे बेबी का बर्थ वेट 3 kg था, और मतलब फिर वो बाद में कम हो गया था, 2.75 ग्राम कुछ ऐसा बचा था, लेकिन फिर मतलब बहुत दुबला हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा इतना सूखा पतला हुआ था ये, मतलब बहुत ज्यादा पतला था, मैं क्या ही बोलूँ, एकदम पतला, और एकदम इसके हाथ इतने पतले पतले से, मुझे इतना बुरा लगता था ना देख के, मुझे इतनी ज्यादा टेंशन होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती है। और जबकि ये तो फुल टर्न बेबी था, ऐसा नहीं है कि ये टाइम से पहले हो गया था, क्योंकि ऐसा होता है ना प्री मेच्योर जो बेबी होते हैं वो पतले होते हैं, लेकिन ये एकदम फुल टाइम पे हुआ था, 40 वीक्स में हुआ था ये एकदम करेक्ट टाइम पे, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी इसका वेट कम था। और अभी करेंट वेट की बात करें तो अभी मैं जब हॉस्पिटल जब गई थी इसको वैक्सीन लगवाने तो इसका 5.5 था, और आई थिंक अब 6 kg तो हो गया होगा, तो 6 kg अभी करेंट वेट मान लो, क्योंकि उस टाइम को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 15 डेज हो चुके हैं उस टाइम को, तो आई थिंक इसका 6 kg वेट होगा आराम से। ओके, तब से व्लॉग बनाना शुरू किया था, तो मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया था और 2022 के लास्ट से, मतलब 2023 ही समझ लो आप लोग, क्योंकि अभी तो 1.5 साल हो चुका है मुझे यूट्यूब पे, हाँ 2 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा अभी मुझे, 2 साल हो जाएगा यूट्यूब पे। और उससे पहले मैं मेकअप की वीडियोस बनाती थी, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि ब्लॉगिंग मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगता था, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करनी पड़ती है और ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता यार, अपनी पर्सनल लाइफ किसी को भी दिखाना, क्योंकि यार सब देखते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसीलिए मैं सोचती थी कि नहीं मुझे नहीं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग नहीं करना, लेकिन मेरी किस्मत में ब्लॉगिंग ही थी। मैं मेकअप की वीडियोस बनाती थी तो उस पर व्यूज नहीं आते थे, और मैंने एक बार ब्लॉग डाला था और वो मेरी जिंदगी की, लेकिन हाँ अच्छा कह लो, क्योंकि वो ब्लॉग वायरल हो गया था, 1 लाख कुछ व्यूज थे उस पर आ गए थे 10-15 दिन में, जिसकी वजह से मेरा चैनल भी मोनिटाइज हो गया, सारी चीजें उसी वीडियो से हो गई थी, मुझे कुछ भी फिर मतलब बहुत ही सही रही थी वो वीडियो मेरी, तो उससे ही मुझे अर्निंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत ही अच्छा व्लॉग था वो। और फिर मैंने सोचा कि यार व्लॉग्स, और फिर मैं दोबारा भी मेकअप के लिए मैंने ट्राई किया था, बट जब भी मैं मेकअप की वीडियोस डालती थी तो 0 व्यूज, कोई व्यूज नहीं, मतलब 0 थे, नहीं 100 ऐसी 150 व्यूज कुछ आते थे, तो मैंने सोचा नहीं मैं व्लॉग्स पे ही कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि व्लॉग्स ही चल रहे हैं मेरे, तो इसीलिए फिर मैं व्लॉग ही डालती रही, और मेरी किस्मत में व्लॉगिंग ही थी तो वो मिल गई, वैसे मुझे पसंद नहीं था लेकिन अब मुझे पसंद है, ठीक है जो किस्मत में होता है वही होता है। ओके, हाउ डू यू मैनेज ऑल अलोन? तो गाइस मैं ना सारी चीजें अकेले मैनेज कर लेती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं ये ना आदत रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेबी को संभालना और घर में सारे काम, कोई बात नहीं यार, अगर अकेले हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी होता है, इतना कोई टफ, हाँ कभी कभी ऐसा होता है जब, क्योंकि जब बेबी को वैक्सीन लगती है उसके बाद ऐसा लगता है कोई और भी होना चाहिए संभालने के लिए, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन ठीक है 2 दिन की बात होती है तो थोड़ा सह लेते हैं, खाना लेट बन जाता है, 10-11 बज जाते हैं रात के, तो नाइट में हम लोग लेट सोते हैं, खाना वाना भी लेट खाते हैं, और रात में मुझे जगना भी पड़ता है, लेकिन ठीक है वैक्सीन लगने 2-3 दिन की बात होती है बस, उसके बाद फिर से ठीक हो जाता है, लेकिन जब बेबी की तबीयत खराब होती है मत पूछो, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है,
लेकिन अभी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ना करे किसी के भी बेबी को कोई भी फीवर वीवर कुछ हो, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत आसान होता है जब अच्छा बेबी खुश रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब जरा सा कुछ भी हो जाता है ना, बेबी इतना ज्यादा रोता है, और फिर लगता है कि यार क्या करे, कोई संभाल ले, ऐसा होता है। ओके, हमदान की डेट ऑफ बर्थ तो इसकी 25 मई है, 25 मई, आप सबको अच्छे से पता है, मैंने बहुत बार शेयर किया है। आपकी YouTube इनकम क्या है? सो गाइस, YouTube पे कोई फिक्स नहीं होती, आप सबको पता है। इनकम YouTube पे कभी भी आपको ऐसी सरकारी नौकरी की तरह भी इनकम मिल जाती है महीने में, मतलब जैसे सरकारी नौकरी वाले को मिलती है, लेकिन कभी एकदम जीरो, और कभी एकदम लाखों, कभी आप 10 लाख भी कर सकते हो, लोगों बहुत ज्यादा ज्यादा भी कमा रहे हैं। ये सब आपके व्यूज पे मैटर करता है, जितने व्यूज जितने सब्सक्राइबर होंगे उतने ज्यादा आपको अर्निंग होगी, और व्यूज से आपको एडसेंस से, मतलब एडसेंस यूट्यूब से कनेक्ट होता है, तो उससे पेमेंट आती है हर महीने आपके बैंक अकाउंट में, वो व्यूज के हिसाब से होती है। और जो स्पॉन्सरशिप होती है, मेन मनी उसमें है, मेन सब कुछ उसी में है। तो अगर ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो कंपनी आपको प्रमोशन करवाने के ज्यादा चार्ज देती है, जितना आप मांगो उतना। तो उस हिसाब से मतलब वही है कि सब्सक्राइबर और व्यूज मैटर करते हैं हर, क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके से आपकी अर्निंग होती है, एक अफिलिएट करके, और उसमें बहुत ज्यादा कमाई है, और अभी कुछ ज्यादा चलने लगी आजकल विशलिंग से। मैंने अभी ट्राई किया कि मैं भी कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही है यार इससे, अफिलिएट मार्केटिंग, मतलब अफिलिएट करके, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाया, उसकी लिंक मैंने जिस लिंक से मैं जुड़ गई, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, और अगर आप उस लिंक से क्लिक करके कुछ ऑर्डर करते हो तो थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है। तो ये चीज होती है, और एक एडसेंस से अर्निंग होती है, और दूसरा स्पॉन्सर से, वो तो भैया मैन है। बस ये 3 चीजों से आपकी यहाँ पे अर्निंग होती है। और मेरी अर्निंग तो पूछो मत आप लोग, मेरी अर्निंग ऐसी कुछ खास नहीं होती, लेकिन हाँ ठीक ठाक हो जाती है, मैं बताऊंगी नहीं गाइस, क्योंकि मतलब ठीक है, मैं बता देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ आप सबको। तो यहाँ पे आपको एक फोन दिख रहा होगा, हर मंथ मैं वो ले सकती हूँ, लेकिन मैं ले नहीं पाती क्योंकि घर में इतने खर्चे होते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं ले पाती। बाकी मैं फोन लेने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी आप क्वालिटी देख रहे हो ना, वहाँ वाइट वाइट दिख रहा है, तो फोन मुझे लेना है अभी एक न्यू, क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी डल हो गई है, 2 साल पुराना फोन है इसीलिए। बस गाइस, इन यूट्यूब इनकम वाला आंसर दे दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर डिलीवरी आपके पीरियड्स कब आए थे? हर किसी की बॉडी अलग होती है, सबके अलग अलग टाइम पे आते हैं, और मतलब मैं 15 डेज कह रही हूँ यार, 15 डेज तक तो मैं थी, उसके बाद ठीक हो गई थी, उसके बाद 10 दिन तक मैं ठीक रही थी, फिर 10 दिन के बाद फिर आ गए थे, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, बहुत ही अलग, मतलब मैं सोचती थी इसके बाद फ्री हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ओके, आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ कहाँ है? तो गाइस, मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ अलग अलग हैं, तो उन्होंने मतलब अलग अलग ही रहते हैं सब लोग, मतलब क्योंकि उन्होंने भी सेकंड मैरिज की है, उन्होंने भी सेकंड मैरिज की है, और उन्हीं को मतलब अभी तो, क्योंकि ऐसा है कि मैं उनको भी अपना मदर इन लॉ मानती हूँ, और उनके मेरे फादर इन लॉ की जो वाइफ है उनको भी मैं मदर इन लॉ, मतलब मेरे 4 मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है, तो ऐसा है। और मतलब मैं इतना ज्यादा कहाँ है, वो अलग रहते हैं, सब लोग अलग अलग रहते हैं यार, और क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चे हैं, तो सब बहुत सारे बच्चे सब साथ में रहते हैं, और इतनी बड़ी फैमिली के साथ एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं पर्सनल, जो हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि देखो अपनी लाइफ है, मैं अपने बारे में तो सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन किसी और के बारे में बताना ठीक नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ आपको पता है, लेकिन किसी और की भी बताना ये ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करती हूँ, बाकी मैं पर्सनल डिस्टेंस बना के रखती हूँ बस। ओके, तो मैंने रैंडम कुछ क्वेश्चन लिए थे, और सबका मैंने आई होप अच्छे से आंसर कर दिया होगा। इस टाइप की वीडियो मैं सोच रही हूँ कि मंथ में एक बार लेकर आऊँ, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन उठा के, क्योंकि सबकी आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता। इंस्टाग्राम पे तो मैं बिल्कुल भी आंसर नहीं कर पाती, और उस पे तो DMs भी आते हैं पर्सनल मुझे, लेकिन मैं सबका आंसर नहीं कर पाती हूँ, और कमेंट्स में भी मैं एक एक का आंसर नहीं कर पाती, लेकिन हाँ यूट्यूब पे मैं सबका आंसर कर देती हूँ। यूट्यूब पे जितने भी आते हैं, मेरी शुरू से आदत है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं एक्टिव रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी रहती हूँ, लेकिन क्योंकि इंस्टा पे भी दूंगी आंसर, यूट्यूब पे भी दूंगी, तो सारी चीजें
मुझे मतलब दिमाग एकदम मतलब बिजी हो जाता है, फिर एकदम नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब पे तो मैं सबका आंसर करती हूँ, आप सबको पता होगा, लेकिन इंस्टा पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आई होप गाइस, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बाय।